अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आफरीन मोहम्मद समी अंसारी, नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की मुअल्लिमा यानी टीचर। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी और तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों पर खैरियत से होंगे। आइए देखते हैं आफरीन कंप्यूटर में। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये बात मौजूद होती है कि सुनने वाले और पढ़ने वाले को कंप्यूटर के बारे में पता होगा। लिहाजा आगे बढ़ने से पहले क्यों ना कंप्यूटर के नेम और मीनिंग पर नज़र डाली जाए। लातीनी ज़बान लफ्ज़ कंप्यूट से अखस किया गया है। कंप्यूट का मतलब शुमार करना यानी काउंट करना, हल करना यानी सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ आप सब कंप्यूटर के नेम और मीनिंग से अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे। तलबा व तालिबात, अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, मीन्स व्हाट इज कंप्यूटर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन और डेटा को इनपुट डिवाइस से हासिल करता है और दी गई इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत के मुताबिक आउटपुट में कन्वर्ट करता है। या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मींस कंप्यूटर के हिस्से। ये पिक्चर है मॉनिटर की। मॉनिटर आमतौर से दो तरह के होते हैं, एक वो जिसके अंदरूनी टीवी जैसा पिक्चर ट्यूब लगा होता है, ऐसे मॉनिटर को सीआरटी मॉनिटर कहते हैं। तमाम पुराने कंप्यूटरों में इस किस्म का मॉनिटर हुआ करता था। ये मॉनिटर भारी होता था और मेज पर जगह भी ज़्यादा घेरता था। आजकल सीआरटी मॉनिटर बनने बंद हो गए हैं, इनकी जगह LCD या LED मॉनिटरों ने ले ली है। इस किस्म के मॉनिटर मोटाई बहुत कम होती है क्योंकि इसमें पिक्चर ट्यूब मौजूद नहीं होता बल्कि कांच की एक छोटी स्क्रीन होती है। और याद रखना बच्चों, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब आपके सामने जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो माउस की तस्वीर है। माउस हाथ में पकड़ा जाने वाला आला है। इसके दो बटन होते हैं, एक राइट क्लिक एक लेफ्ट क्लिक। माउस लंबी तार के जरिए CPU से जुड़ा होता है। इसके नीचे एक बॉल लगा होता है। माउस को इधर उधर घुमाने से बॉल भी घूमता है जिससे स्क्रीन पर तीर का निशान हरकत करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा आजकल ऑप्टिकल और वायरलेस माउस का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो गया है। और याद रखना बच्चों, माउस इंतहाई तेज रफ्तार इनपुट डिवाइस है। अब आपके सामने जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो CPU की है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मरकजी यानी अहम हिस्सा है जो कंप्यूटर के पूरे निज़ाम को चलाती है। और याद रखना बच्चों, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अब आपके सामने जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो कीबोर्ड की है। कीबोर्ड डेटा एंट्री, टाइपिंग करने और कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के काम आता है। कीबोर्ड प्लास्टिक का बना होता है, मुस्तकिल शक्ल का एक इलेक्ट्रॉनिक आला है। और याद रखना बच्चों, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। सामने जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो प्रिंटर की है जो कंप्यूटर में मौजूद चीज़ों को कागज़ पर छाप देता है और कंप्यूटर से बाहर निकालकर इसे हम तक पहुंचा देता है। याद रखना बच्चों, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब आपके सामने जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो स्पीकर की है जिसके जरिए हम साउंड को सुन सकते हैं। और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। के सामने जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो स्कैनर है। किया हुआ कागज प्रिंट होने के बजाय कंप्यूटर में फाइल की सूरत में मॉनिटर स्क्रीन पर मिलता है। स्कैन की हुई
फाइल को आप कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रिंट या फिक्स कर सकते हैं, किसी को डॉक्यूमेंट के साथ ईमेल कर सकते हैं। याद रखना बच्चों, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो जरूर लाइक करना। आगे की वीडियो इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। स्टूडेंट्स, समझ में आए तो लाइक करना। थैंक यू।